मलावी के लोगों ने तहदिल से भारत और इसके लोगों को अपना बनाया है। साथ ही प्रवासी भारतीयों ने मलावी में विभिन्न सामाजिक और व्यवसायिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। खेल के क्षेत्र में भी संतोष सिंह जैसे प्रतिष्ठित प्रवासी भारतीयों ने असाधारण उपलब्धियां हासिल की है और सभी प्रवासी भारतीयों के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण है। मैं कल राष्ट्रपति चकबेरी और मलावी के अन्य महत्वपूर्ण गणमान्य व्यक्तियों के साथ बातचीत करूंगी। हमारे प्रयास होगा कि हम रिश्ते को और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए लाभप्रदों और आर्थिक चर्चा करेंगे। मुझे ये जानकर भी प्रसन्नता हो रही है कि भारत के बिजनेस कम्युनिटी का एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल भी मलावी के दौर पे आए हैं और मैं आशा करती हूँ कि वे हमारे व्यापार और आर्थिक संबंधों में विस्तार करेंगे। मित्रों, भारत आपसी विश्वास, समानता और पारस्परिक लाभ की सिद्धांतों पर आधारित अफ्रीकी महाद्वीप के साथ अपनी साझेदारी को महत्व देते हैं। अफ्रीकी के साथ सहयोग का हमारा मॉडल स्थानीय संसाधन का उपयोग करने और क्षमता निर्माण का है, जो अफ्रीका की अपनी आवश्यकताओं की प्राथमिकता पर आधारित है। ये पहले 10 वर्षों के अफ्रीकी के साथ हमारे राजनीतिक जुड़ाव की अभूतपूर्व गति में साफ दिखता है। हमारे सहयोग के मुख्य स्तंभ डेवलपमेंट पार्टनरशिप, कैपेसिटी बिल्डिंग, व्यापार और आर्थिक सहयोग, रक्षा सुरक्षा और लोगों से लोगों का संपर्क है। प्रत्येक स्तंभ भारत अफ्रीका संबंधों के लिए महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि हमारी सरकार का प्रयास रहा है कि अफ्रीका में नई दूतावास और उच्चायोग खोले जाए, ताकि देशों की जरूरतों और प्राथमिकताओं के अनुसार हमारी गतिविधियां की कर जा सके। भारत में तेजी से सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है। ये विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है, जो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। हमारे पॉलिसी गोल्स वर्ष 2047 तक विकसित भारत के हमारे विजन से जुड़े हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डिजिटलाइजेशन, ग्रीन एनर्जी और सामाजिक उत्थान पर नए सिरे से ध्यान दिया जा रहा है। पिछले साल अफ्रीकन यूनियन को G20 संगठन का स्थायी सदस्य बनाने में भारत ने भूमिका निभाई थी। ग्लोबल साउथ के अग्रणी सदस्य के रूप में भारत विश्व की 2/3 जनसंख्या के हितों को प्रतिनिधित्व करने की अपनी भूमिका को गंभीरता से लेता है और आगे भी ग्लोबल साउथ के देशों के साथ अपने अनुभवों और अपनी क्षमताओं को साझा करता रहेगा। दोस्तों, भारत के व्यापार, उद्यम और सांस्कृतिक संबंधों के पर्याप्त अवसर है। आप सब अपने विचारों, अपने बिजनेस मॉडल्स और अपने इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल्स से हमारी विकास यात्रा में सम्मिलित हो सकते हैं। हमारे प्रवासी भारतीय समाज भारत में हो रहे परिवर्तन का एक अभिन्न अंग है और देश की ओर से मैं आप सभी को इस परिवर्तन यात्रा में शामिल होने और हमारे डेवलपमेंट एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए आगे आने का आग्रह करती हूँ। भारत के बाहर रह रहे हैं हमारे देशवासियों का कल्याण करना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम भारतीयों की चिंताओं को दूर करने और उनकी सुरक्षा, कल्याण और उन्नति सुनिश्चित करने के लिए विश्व में अपने पार्टनर्स के साथ कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है।